हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा। हम सबसे पहले एक स्वप्रेरकत्व वाले एक हम इस प्रकार से परिपथ की रचना कर रहे हैं। ये हमने स्वप्रेरकत्व वाले एक परिपथ की रचना कर दी, और आप जानते हैं यह है रियोस्टेट होता है, जिसे हम कहते हैं धारा नियंत्रक। यह परिपथ की ऊर्जा का स्रोत होता है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत, जिसे हम बैटरी कहते हैं। इसका धन सिरा होता है, ये ऋण सिरा। यह हमारी कुंजी होती है, जिसे हम कहते हैं ऑन ऑफ का स्विच, जिसको ऑन करके परिपथ पूर्ण हो जाता है, परिपथ में धारा बहनी शुरू हो जाती है। और यह हमने कहा कुंडली है। तो अब जब हम इस परिपथ को ऑन करते हैं, जैसा हमने पहले बताया था, तो इस परिपथ में एक धारा बहने लग जाती है। इस धारा का मान होता है आई। यदि रियोस्टेट की सहायता से, जिसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं, इसके सहायता से परिपथ में धारा का मान परिवर्तित करें, यानी कि धारा का मान हम कह सकते हैं शून्य से अधिकतम मान आई तक बढ़ाएं, तो क्या होगा? परिपथ में चूंकि धारा बह रही है, तो इस कुंडली के चारों तरफ हम, जैसा हमने बताया था, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यदि परिपथ में धारा का मान परिवर्तित हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित होगा, जिससे इस कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जो कि विरोधी विद्युत वाहक बल कहलाएगा। इसे विरोधी विद्युत वाहक बल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह परिपथ में जो जिस भी कारण से यह उत्पन्न हो रहा है, यह हमेशा उसका क्या करता है? विरोध करता है। क्योंकि यह विद्युत वाहक बल विरोध करता है अपने उत्पन्न होने के कारण का, जैसा कि लेंस का नियम कहता है। लेंस के नियम ने ही यह बताया था कि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, परिणाम स्वरूप प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। इसलिए धारा में परिवर्तन के कारण इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसे हम विरोधी विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं। इसके कारण इस परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और उस धारा की दिशा इस धारा के विपरीत होगी। यदि इसका मान शून्य से बढ़ रहा है, कम से ज्यादा हो रहा है, तो धारा की दिशा, प्रेरित धारा इसकी विपरीत दिशा में बहेगी, जिससे इसके धारा का मान कम हो, बढ़े ना। तो इसी प्रोसेस में हम देखेंगे कि कितनी ऊर्जा संचित हुई है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं, माना परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है, जो शून्य से अधिकतम मान आई तक बढ़ती है। अर्थात प्रारंभ में वो शून्य थी, और बाद में उसका अधिकतम मान कितना हो गया? हमने कहा आई हो गया। अब इसमें हम लेते हैं कि, मान लेते हैं इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो एल है। लिखते हैं, माना कुंडली का स्वप्रेरकत्व एल है। एल है तो अब हम कहते हैं कि जब एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया होगा, तो वो क्या करेगा? इस मुख्य धारा, क्योंकि बैटरी से जो बहने वाली धारा होती है, उसे हम कहते हैं मुख्य धारा। तो विरोधी विद्युत वाहक बल इस मुख्य धारा का क्या करेगा? विरोध करेगा। और अगर इसके बाद भी ये मुख्य धारा आगे बढ़ रही है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह बैटरी क्या कर रही है? यदि धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब आवेश प्रवाहित हो रही है। तो हम मानते हैं कि किसी क्षण परिपथ में धारा का मान आई है। तो लिखते हैं, माना किसी क्षण परिपथ में आई धारा बह रही है। हमने कहा कितनी धारा बह रही है? आई धारा बह रही है। तो यदि अब हम लेते हैं कि डीटी समय अंतराल में, एक सूक्ष्म समय अंतराल ले रहे हैं, माना डीटी समय अंतराल में डीक्यू आवेश जो प्रवाहित हो रहा है, उसको प्रवाहित करने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? क्योंकि विरोधी
विद्युत वाहक बल के विरुद्ध काम कर रही है ना ये बैटरी, तो हम लिखते हैं माना विरोधी विद्युत वाहक बल के विपरीत डीटी समय में डीक्यू आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य। क्योंकि हम सूक्ष्म आवेश प्रवाहित कर रहे हैं सूक्ष्म समय अंतराल में, इसलिए किया गया कार्य भी सूक्ष्म ही होगा। तो हम कहेंगे किया गया कार्य वो हो जाएगा dW। और dW को हम जो हमारा कार्य है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्य बराबर होता है P यानी कि पावर, जिसे हम कहते हैं शक्ति, शक्ति गुणा कितने समय अंतराल में, सूक्ष्म समय अंतराल में, ये आ गया dT। तो देखिए यहां से हम यदि पावर निकालें तो हम जानते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, तो हम लिख सकते हैं कार्य बराबर शक्ति गुणा समय। अब हम शक्ति का फार्मूला जानते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में जो शक्ति होती है वह वी गुणा आई के बराबर होती है, हमारा एक सूत्र होता है पी बराबर होता है वी इंटू आई। अब इस सूत्र को यहां लगाएं तो पी तो हमारा शक्ति हो गया, V होता है परिपथ का विभवांतर, यहां विभवांतर की जगह हम ले रहे हैं विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल को हम E से प्रदर्शित करेंगे। और धारा का मान इसमें हमने कहा किसी क्षण, धारा का मान क्या है लिखा है यहां पर हमने, परिपथ में किसी क्षण, परिपथ में धारा का मान है I, तो E इंटू आई, और साथ में क्या आ गया। अब हम कहते हैं जो E है वो E क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। हम जानते हैं चूंकि हमारा किसका नियम होता है, फैराडे के नियम होता है चूंकि, और फैराडे के नियम के साथ हमने किसकी बात करी थी, स्वप्रेरकत्व गुणांक की बात करी थी। हम जानते हैं चूंकि E बराबर होता है माइनस L इंटू डी आई अपॉन dT, यह अभी हमने सूत्र प्रूफ किया था। तो E का यह मान यदि इस समीकरण में रख दें, समीकरण एक में रख दें, तो हम लिखते हैं समीकरण एक में E का मान रखने पर, E का मान रखने पर, तो रखेंगे तो क्या आएगा, dW किया गया कार्य जो सूक्ष्म कार्य है dW, वह सूक्ष्म आवेश dQ को प्रवाहित करने में किया गया कार्य को प्रदर्शित करता है। तो dW बराबर E की वैल्यू माइनस L इंटू डी आई अपॉन dT। ये माइनस का निशान प्रदर्शित करता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह हमेशा इस धारा परिवर्तन की दिशा के विपरीत होगा, इस दिशा को प्रदर्शित करता है। तो हम यहां केवल परिमाण ले रहे हैं, हम दिशा नहीं ले रहे हैं, तो माइनस का निशान हम छोड़ सकते हैं। तो E बराबर आ गया इसमें E बराबर L इंटू डी आई अपॉन dT, तो लिखेंगे L इंटू डी आई अपॉन dT, और साथ में हमने E का मान लिख दिया, साथ में I इंटू dT, साथ में लिख लेंगे इंटू आई इंटू dT, तो dT से dT कट गया, तो हमारा आ गया dW बराबर L इंटू आई इंटू डी आई के बराबर आ गया। यह तो सूक्ष्म आवेश dQ को प्रवाहित करने में किया गया कार्य था। तो अब हम कह रहे हैं कि धारा का मान कहां से हो रहा है, शून्य से आई तक बढ़ रही है, तो हम कहेंगे कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, अतः किया गया संपूर्ण कार्य किसके लिए, धारा शून्य से आई तक के लिए। धारा का मान शून्य से लेकर अधिकतम मान आई तक पहुंचाने के लिए हमें कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, हम वो ज्ञात कर रहे हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, तो इसका समाकलन करेंगे कुल किया गया कार्य W बराबर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dW के बराबर आ जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dW का मान क्या आ गया, L इंटू आई इंटू डी आई। अब बात आती है समाकलन की सीमाएं क्या रखें, तो हम कह रहे हैं धारा का मान कहां से शुरू कर रहे हैं, शून्य से, अधिकतम मान कितना होना है आई तक, तो लिख लेंगे धारा का मान शून्य से बढ़ा रहे हैं कहां तक, आई तक। यह इस समाकलन की क्या हो जाएगी, सीमाएं कहलाएंगे। तो किया गया कार्य डब्ल्यू
बराबर एल, हमने पहले आपको बताया था कि डी के बाद जो भी पद होता है वही चर होता है, वही बदलता है, बाकी सारे पद नियत होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो इसमें आई तो समाकलन के भीतर ही रहेगा, ये चर है, जो एल है वो समाकलन के निशान से बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर लिया जाएगा इसको। तो लिखेंगे एल समाकलन जीरो से लेके आई तक और साथ में हो गया आई इंटू डी आई। अब इसको हमें सॉल्व करना है और यह जो समाकलन का जो यहां पर हम सूत्र लगाएंगे, यह हमारे पास एक सूत्र होता है समाकलन का, समाकलन x की घात n इंटू डी एक्स बराबर होता है x की घात n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो इस सूत्र का यहां इस्तेमाल करेंगे, यहां x की जगह है i और x की घात जैसे n है, यहां पर i की घात कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब i की घात प्लस वन है। तो x की जगह हो गया i और n की जगह क्या हो गया वन। तो सूत्र लगाएंगे ये वाला, हमारा आएगा w बराबर एल और साथ में ये आ जाएगा हमारा x की घात n प्लस वन यानी कि i की घात वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। समाकलन की लिमिट जीरो से लेके i तक है, जीरो से i तक है। तो w बराबर l, ये आ जाएगा हमारा i की घात i स्क्वायर बटे दो, ये आ गया जीरो से लेके i आ गया, दो को बाहर ले लेंगे तो ये हो गया l अपॉन टू, अंदर आएगा आई स्क्वायर योग्य जीरो से लेके आई। हमने पहले भी बताया था इसे कहते समाकलन की निम्न सीमा और इसे कहते समाकलन की उच्च सीमा। तो जब समाकलन को सीमाओं के साथ हल करते हैं तो सबसे पहले इस चर जो कि आई है इसकी जगह समाकलन की उच्च सीमा का मान रखा जाता है, फिर माइनस का निशान लगाया जाता है, फिर समाकलन इस चर की जगह समाकलन की निम्न सीमा का मान रखते हैं बीच में माइनस का निशान लगा। तो करते हैं इसे सॉल्व, तो ये आ गया W बराबर L अपॉन टू, I का मान यदि I रखेंगे तो ये आ जाएगा I स्क्वायर माइनस, फिर I का मान यदि जीरो रखें तो ये आ जाएगा जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही आ गया। तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा एक बटा दो L इंटू आई स्क्वायर। और यह जो किया गया कार्य है यही चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं U बराबर एक बटा दो एल आई स्क्वायर। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं चूंकि एल आई बराबर होता है हमारा फाई के, तो इस सूत्र में एल आई इंटू आई लिख सकते हैं इसको, तो हमारा सूत्र बन जाएगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं U बराबर एक बटा दो एल आई को लिख सकते हैं I इंटू आई, इस एल आई की जगह हम क्या लिख लेंगे फाई लिख लेंगे। तो हमारा सूत्र आ जाएगा U बराबर एक बटा दो फाई इंटू आई। तो हम जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र में जो संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U, इसे हम स्वप्रेरकत्व के पदों में भी ज्ञात कर सकते हैं और हम चाहें तो फ्लक्स के पदों में भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अनन्य प्रेरण, जैसे इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। तो पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब कोई कुंडली होती है वह जिस परिपथ में होती है यदि उसी परिपथ में धारा का मान परिवर्तित हो तो इसके कारण उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उस कुंडली में एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विरोधी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो कि मुख्य धारा के घटने अथवा बढ़ने का विरोध करती है। अब हम समझेंगे अनन्य प्रेरण को। अनन्य प्रेरण बिल्कुल विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है, इसमें एक कुंडली की बजाय दो कुंडलियां ले ली जाती है। तो हम इसको करते हैं, हमने कहा ये दो कुंडलियां हमने ले ली, इन कुंडलियों में एक पे हमने आप कह सकते हैं रिहोस्टेट लगा दिया, यानी कि जिसे हम कहते हैं धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक के साथ ही हमने एक बैटरी लगा दी, बैटरी के साथ में हमने एक कुंजी लगा दी। यह बैटरी का ऋण सिरा है, यह बैटरी का धन सिरा है, यह हमारा हो गया धारा नियंत्रक, धारा
नियंत्रक। और यह हमारी क्या हो गई, कुंडली हो गई पहले परिपथ की। अब हम कहते हैं इसी के समीप में हमने एक दूसरा परिपथ लिया और उस परिपथ में केवल एक गैल्वेनोमीटर हमने जोड़ दिया, यानी कि धारा मापी लगा दिया। पहले परिपथ में जिसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, प्राथमिक परिपथ कहते हैं, इस कुंडली में विद्युत ऊर्जा का स्रोत एक बैटरी लगी हुई थी, साथ में एक धारा नियंत्रक लगा हुआ था जिसके द्वारा हम परिपथ में धारा के मान को परिवर्तित कर सके, साथ ही हमने कुंजी लगा रखी थी। जबकि दूसरे परिपथ में, दूसरी कुंडली के साथ में केवल एक धारा मापी था, इसमें ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है। अब हम देखते हैं कि जब पहली कुंडली में कुंजी लगाकर परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा जब अपने शून्य मान से अधिकतम मान तक पहुंचती है, उसी के बीच में इस दूसरी कुंडली और दूसरे परिपथ में जो एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, धारा मापी जुड़ा हुआ है, यह विक्षेपित हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहली कुंडली में जब धारा का मान परिवर्तित हुआ, शून्य से अपने अधिकतम मान तक गया, उतनी देर में इस दूसरी कुंडली के धारा मापी में विक्षेप आ गया। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे? हम कहते हैं जब पहली कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो आप समझते हैं धारा, ये प्लस का निशान है तो धारा की दिशा इधर की ओर होगी, धारा आई बह रही है। तो जब धारा बहती है और धारा के मान में जब हम कहते हैं परिवर्तन होता है, तो इस कुंडली से, पहली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। पहली कुंडली क्योंकि दूसरी परिपथ की कुंडली दूसरी कुंडली के समीप ही स्थित है, तो जितना चुंबकीय फ्लक्स पहली कुंडली में होगा, हम कह सकते हैं लगभग उतना ही चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली में होगा। तो दूसरी कुंडली में जो भी फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स का मान परिवर्तित हो जाता है पहली कुंडली में धारा परिवर्तन होने के कारण। तो हम कहते हैं कि यह दूसरी कुंडली में, क्योंकि फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाएगी और इस धारा की दिशा ऐसी होगी कि यह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगी। तो कैसे विरोध करेगी? यदि धारा बढ़ रही है, शून्य से अधिकतम मान तक जा रही है, तो यदि धारा की दिशा इस इधर की ओर है तो दूसरी कुंडली में, इस कुंडली में धारा विपरीत दिशा में बहेगी, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बहेगी। और यदि पहली कुंडली में हम कहें कि धारा का मान अधिकतम से न्यूनतम मान की तरफ जा रहा है, तो दूसरी कुंडली में धारा की दिशा, प्रेरित धारा ऐसी होगी कि पहली कुंडली में धारा की दिशा या पहली कुंडली में धारा का मान बढ़े। तो यदि दूसरी कुंडली में धारा का मान उच्च से निम्न की तरफ बह रहा है, यानी कि अधिक से कम हो रहा है, तो दूसरी कुंडली में धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होगी। जिस दिशा में पहली कुंडली में धारा है उसी दिशा में दूसरी कुंडली में धारा होगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब हम इसको आगे इसका प्रोसेस करते हैं। हम कहते हैं माना पहली कुंडली में कुल फेरे, कुल फेरे बराबर मान लेते हैं N1। इसी प्रकार माना दूसरी कुंडली में कुल फेरों की संख्या जो है वो है N2। इसी प्रकार माना पहली कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है, पहली कुंडली में बद्ध फ्लक्स फाइवन ले लेते हैं। इसी प्रकार मान लेते हैं दूसरी कुंडली में बद्ध फ्लक्स मान लेते हैं फाइव टू है। अब माना पहली कुंडली में जो धारा बह रही है वो है I1। लिखते हैं माना पहली कुंडली में प्रवाहित धारा को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? I1 से प्रदर्शित कर दिया हमने पहली कुंडली में प्रवाहित धारा को। तो हम कहते हैं पहली कुंडली में यदि प्रवाहित धारा I1 है तो I1 के परिवर्तन के कारण ही दूसरी कुंडली में, दूसरे परिपथ की कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो हम कहते हैं दूसरी कुंडली में नेट फ्लक्स, क्योंकि एक, हम कहें यदि एक कुंडली है तो उसमें फ्लक्स कितना है, यदि एक फेरे में फ्लक्स है फाई टू, तो एन फेरों में फ्लक्स की संख्या क्या होगी, N गुणा फाई टू। तो हम लिखेंगे
दूसरी कुंडली में बद कुल चुंबकीय फ्लक्स, और यह हमारा हो जाएगा फाइ टू, एक फेरे, और कुल फेरों की संख्या कितनी, एन टू, तो यह हो जाएगा एन टू गुणा फाइ टू। तो अब हम लिखते हैं कि दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो किसके कारण हो रहा है, पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण। तो पहली कुंडली में धारा कितनी बह रही है, आई वन, तो हम कहेंगे अतः पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण, धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में, जो हमारी दूसरी कुंडली होगी सेकेंडरी कॉइल, दूसरी कुंडली में हम कह सकते हैं बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करेंगे, और यह होगा जो हमारा दूसरी कुंडली में बद्ध फ्लक्स है यह है एन टू गुणा फाइ टू। यह अनुक्रमानुपाती है पहली कुंडली में बहने वाली धारा आई वन के। अब यदि हम, क्योंकि आई वन के धारा में जैसे जितनी तेजी से परिवर्तन होगा उतना ही फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होगा दूसरी कुंडली से बद्ध फ्लक्स में, तो यदि अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएं तो हम लिखेंगे एन टू फाइ टू बराबर, एक कांस्टेंट ले लेंगे एम और साथ में आ जाएगा हमारा आई वन, लिखते हैं जहां एम जो है इसे हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक। और इसी को हम क्या नाम देंगे, इस एम को हम जो नाम देंगे उसे कहेंगे अनन्य प्रेरण, इसे हम अनन्य प्रेरण का नाम दे सकते हैं। तो अब हम कहते हैं अनन्य प्रेरण का मान क्या होगा, यदि मान निकालना चाहें तो m बराबर हो जाएगा n2 phi 2 अपॉन i1 के बराबर आ जाएगा। पहले की तरह हम कहें तो हम कहें कि m का मात्रक क्या होगा, तो m का मात्रक पहले की तरह phi जो होता है वेबर, n2 क्या हो गया फेरे, और आई क्या हो गया एम्पायर, एम्पियर, तो हम लिख सकते हैं वेबर फेरे प्रति एम्पियर, वेबर फेरे प्रति एम्पियर। हमने कहा इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, इसी को हमने नाम दिया था जो हमारे स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी, वही हम क्या लेते हैं अनन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक भी लेते हैं जिसे हम कहते हैं हेनरी के बराबर होता है। तो एम का मात्रक क्या हो गया हेनरी, और ये किसके बराबर है वेबर फेरे बटे एम्पियर। यहां से हम पहले की तरह एक हेनरी का मान निकाल सकते हैं या अनन्य प्रेरण का मान परिभाषा दे सकते हैं। हम कहते हैं यदि आई बराबर, यदि आई वन बराबर हो जाए एक एम्पियर के, तो एम बराबर हो जाएगा हमारा एन टू गुणा फाइव टू के बराबर। तो हम कहते हैं यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का मान एक एम्पियर हो तो दूसरी कुंडली का अनन्य प्रेरण गुणांक आंकिक रूप से दूसरी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा, कुल चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं एम की परिभाषा दे सकते हैं। इसी के साथ में हम थोड़ा और आगे करेंगे इस डेरिवेशन को। हम जानते हैं जो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम है, हम लिखते हैं फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम से। फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम कहता है कि दूसरी कुंडली में जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा दूसरी वाली कुंडली में, इसे हम E2 से प्रदर्शित करेंगे, वह बराबर होगा किसके, माइनस दूसरी कुंडली में जो हमने बात करी थी फेरों की संख्या तो हमारी कितनी आ गई थी, दूसरी कुंडली में फेरे थे N2, और
फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है वो फ्लक्स में परिवर्तन हम जानते हैं, ये है डी फाई अपॉन डी टी या डेल्टा फाई टू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई टू अपॉन डेल्टा टी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर माइनस एन टू इंटू डी फाई टू अपॉन डी टी के बराबर होगा। अब हम मान निकालें ई टू बराबर माइनस एन टू को अंदर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं डी फाई टू एन टू बटे हमारा क्या हो गया डी टी। अब आप देखिए समीकरण ये m बराबर एन टू फाई टू बटे आई वन, इसको मैं मान लेता हूं ये समीकरण मेरी है एक, तो लिखते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक बोलती है कि m बट m बराबर होता है n2 phi2 बटे i1, तो i1 की इधर गुणा कर दे तो n2 phi2 का मान आ जाएगा, यानी कि ये लिखता है n2 phi2 बराबर हो जाएगा m गुणा i1 के, यानी कि हो गया m गुणा i1 के। n2 phi2 का यह मान इस समीकरण में रखें तो ये हमारा आ जाएगा e2 बराबर आ जाएगा माइनस d, यह आ जाएगा m इंटू आई वन बटे साथ में क्या आ गया डी टी आ गया। अब हमने कहा एम क्या है अनोन्य प्रेरण, अनोन्य प्रेरण क्या है एक नियतांक है कांस्टेंट है हमने लिखा है तो यह तो परिवर्तित नहीं होगा, तो इसे डी से बाहर ले आएंगे तो यह आ जाएगा ई टू बराबर माइनस एम इंटू डी आई वन अपॉन डी टी के बराबर होगा। हम तो नाम मान निकालना चाह रहे हैं अनोन्य प्रेरण का, तो अनोन्य प्रेरण का मान आ जाएगा एम बराबर माइनस ये हो जाएगा E2 बटे नीचे आ जाएगा डी आई वन अपॉन डी टी, और यह हमारा क्या हो जाएगा अनन्य प्रेरण का माना जाएगा। यहां से हम चाहें तो अनन्य प्रेरण की फिर से परिभाषा दे सकते हैं, हम लिखते हैं यदि डी आई वन बटे डी टी का मान हो जाए एक एम्पियर पर सेकेंड, अर्थात पहले परिपथ में जो पहला हमारा परिपथ है इस परिपथ में जो धारा परिवर्तन का जो मान है वह एक एम्पियर प्रति सेकंड हो तो दूसरी कुंडली का इस कुंडली का अनन्य प्रेरण गुणांक का आंकिक मान बराबर होगा दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर। तो परिभाषा में ऐसे दे सकते हैं कि अनन्य प्रेरण गुणांक का आंकिक मान दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एक एम्पियर प्रति सेकंड हो। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं अनन्य प्रेरण का परिभाषा को प्रदर्शित कर सकते हैं। बाकी मात्रक और इसकी विमा जैसे हमने स्वप्रेरण में निकाली थी वैसे हम यहां पर अनन्य प्रेरण में भी निकाल सकते हैं, तो इसे आप निकाल लीजिएगा।